जिला प्रशासन के नेतृत्व नव प्रभात मुख्यालय झांसी महिला प्रकोष्ठ द्वारा हमारी बेटी हमारी पहचान जन जागृति संकल्प कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। आपको बता दें कि नव प्रभात मुख्यालय झांसी महिला प्रकोष्ठ द्वारा कृति राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपम अग्रवाल ने संगठित एकजुटता संकल्प भाव से सभी भारतीय राष्ट्रवासियों से स्वावलंबी नारी, आत्मनिर्भर नारी, सशक्त नारी, सुरक्षित नारी के महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए आगामी समय में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर की कमी लाने के उद्देश्य से कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम के लिए सर्वप्रथम स्वयं के लिए सजगता पर प्रकाश डाला। क्योंकि आज दिवसों के 2022 राष्ट्रीय वार्ता दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी एकजुट होकर इस संकल्प मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दे पा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय वार्ता दिवस 2022 और इसका जो शुभारंभ हुआ था तो महिला बाल विकास मंत्रालय 1956 में इसका शुभारंभ हुआ था। और आज के शुभ दिन हमारे देश की पहली महिला प्रतिनिधि ने प्रधानमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण की और इस गौरवशाली पदों में मैं आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मेरी बेटी मेरी पहचान के विषय पर अपने साथ अपने विचार में आप सबसे साझा करना चाहूंगी कि माननीय बेटियों की शिक्षा का मुद्दा अपने समाज में प्रारंभ के लिए एक बहुत ही बड़ी चर्चा और परिचर्चा का मुद्दा रहा है विषय रहा है। क्योंकि शिक्षा जो है एक ऐसा आभूषण है एक ऐसा अहंकार है जिसे सुरक्षित करके जिसे धारण करके हम स्वयं में संस्कारवान बन पाते हैं सुशील बन पाते हैं जीवन में सही और गलत का बोध कर पाते हैं सक्षम हो पाते हैं। यहाँ तक कई हम भावात्मक रूप से शिक्षा हमें मजबूत बनाता है जो हमें जिंदगी के संघर्षों से लड़ने के लिए सच करता है। इस पर आज के आधुनिक प्रदेश में भी कुछ ऐसी महान विचारधारा के लोग रहते हैं जो ये मानते हैं कि शिक्षा पर कुछ बेटों का अधिकार है बेटियों का नहीं। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि शिक्षा क्या कोई वस्तु है जो सिर्फ बेटों के हिस्से में आई है और बेटियों के हिस्से में नहीं बल्कि शिक्षा तो एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसे हर इंसान जन्म लेकर पैदा होता है। आदरणीय आज यदि हम बात करें तो हालांकि इसी के चलते हमारी भारत सरकार ने हमारी राज्य सरकारों ने निशुल्क शिक्षण संस्थानों की सुविधाएं दी जिन पर महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्रों की जो गरीब तबके की बच्चियां हैं वो उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की। लेकिन विचारणीय ये है कि अभी भी देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेटियों और महिलाओं की शिक्षा से वंचित है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि ये समस्या जो है ये गंभीर समस्या जो है वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है बल्कि बड़े बड़े महानगरों में मेट्रो सिटीज में लाइक बैंगलोर दिल्ली मद्रास लखनऊ शिक्षित और प्रतिष्ठित प्रकार ऐसे संकीर्ण विचारधारा के लोग रहते हैं जो ये मानते हैं जो ये करते कहते हैं कि शिक्षा पर सिर्फ बेटों का अधिकार है और बेटियों को सिर्फ घर कार्य आने चाहिए क्योंकि उनका काम समय घर में व्यतीत होता है इसलिए उन्हें शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो उनके दृष्टिकोण में भी यदि हम विचार करें तो उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या एक अशिक्षित बेटी एक अशिक्षित महिला घर परिवार सुचारू रूप से चला सकती है। उदाहरण के तौर पर जब परिवार में शिशु जन्म लेता है तो उस शिशु को
पढ़ाना लिखाना, उसे संस्कारवान बनाना, उसे योग्य बनाना, उसका अधिकांश दायित्व परिवार की उस महिला पर होता है, यानी कि उस नवजात शिशु की माँ पर होता है, क्योंकि उस शिशु के लिए जो उसकी माँ होती है वो उसकी प्रथम शिक्षिका और परिवार जो है वो उसका प्रथम विद्यालय होता है। ऐसे में यदि शिक्षिका ही अशिक्षित होगी, शिक्षिका ही अशिक्षित होगी तो वह अपने बालक को, अपने शिशु को संस्कारवान योग्य कैसे बनाएगी, कैसे इस समाज को, इस राष्ट्र को योग्य नागरिक देंगे। और जिन परिवारों में बेटियों को शिक्षा की सुविधाएं दी गई, उन्हें प्रोत्साहित किया गया, उनका सहयोग किया गया, उन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजा गया, वहां पर बेटियों ने अपनी योग्यता के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर यह सिद्ध कर दिखाया है कि बेटियां बेटों से किसी बात में कम नहीं है। फिर चाहे वो राजनीति का सुनहरा मंच हो या फिर अंतरिक्ष में जाने वाली वैज्ञानिक यात्रा हो, व्यावसायिक कोई भी क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, खेल कूद का मैदान हो, अन्य सभी क्षेत्रों में बेटियों ने अपनी जीत के परचम लहराए हैं, झंडे गाड़े हैं, बल्कि कई क्षेत्रों में बेटियां बेटों से चार कदम आगे निकल चुकी हैं। मान्यवर कहीं पढ़ा था कि जब हम समाज में किसी बेटे को शिक्षित करते हैं तो सिर्फ एक बेटा ही शिक्षित होता है, परंतु जब हम एक बेटी को जिसमें प्रमुख विभागीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी माननीय डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर एन के जैन, डॉक्टर महेंद्र कुमार, डॉक्टर रविशंकर, डॉक्टर सुमित मिसुरिया, डॉक्टर अनुराधा राजपूत, डॉक्टर विजय श्री शुक्ला, डॉक्टर नीति शास्त्री के आतिथ्य में उपस्थित होकर अपनी बहुमूल्य उपस्थिति दर्ज कराई। आप देख रहे हैं RGH 24 न्यूज़ पर नीतीश श्रीवास की खास रिपोर्ट।